सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर भी कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। परम्बा भगवती ने हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का तात्विक विवेचन किया। तत्पश्चात देवी ने अपनी सर्वव्यापकता बताते हुए हिमालय तथा देवताओं को अपने विराट रूप के दर्शन कराए, जिससे देवतागण भयभीत हो गए। इस पर भगवती ने पुनः अपना सौम्य रूप धारण कर लिया। देवी ने हिमालय को अपने मंत्र ह्रीं का उपदेश दिया तथा साथ ही साथ अष्टांग योग और कुंडलिनी जागरण विधि भी बताई। इसके बाद उन्होंने परब्रह्म के स्वरूप और अपनी भक्ति की महिमा तथा उसके प्रकार का वर्णन किया। साथ ही उन्होंने अपने तीर्थों, व्रतों और पूजन विधान का वर्णन करने के अनंतर बताया कि यह देवी गीता अध्याय 32-40 अत्यंत गोपनीय तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ऐसा कहकर वे भगवती वहीं अंतर्धान हो गई और देवी के दर्शन से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न और हर्षित हो गए। तदनंतर वे देवी हैमवती हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई, जो गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में वे शंकर जी को प्रदान की गई। तत्पश्चात कार्तिकेय उत्पन्न हुए और उन्होंने तारकासुर का संहार किया। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।